हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है प्रवीण। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वीवो V27 में जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट आया है ना, उसके डिटेल रिव्यू के बारे में। मैं बता दूं दोस्तों, मैं अपने फ़ोन में ये जो सॉफ्टवेयर अपडेट आया था ना, उसको ऑलरेडी 3 दिन पहले इंस्टॉल कर लिया हूं और इसको रेगुलर एक प्राइमरी डिवाइस की तरह 3 दिन से यूज कर रहा हूं। तो अब मैं बता सकता हूं कि इस अपडेट के बाद कहां पे आपके फोन में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, कहां पे अभी भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो के एंड तक। वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करें दोस्तों अपडेट के वर्जन की, तो उसका वर्जन है 15.08.52 और साइज की बात करें तो दोस्तों 200 MB के आसपास की साइज है। और इस अपडेट में कहां कहां पे वर्क किया गया है वो आपको दिखा दें, स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कहां कहां पे इम्प्रूवमेंट किया गया है इस अपडेट में। अब बात करते हैं दोस्तों कि रियल लाइफ में इस अपडेट के बाद आपके वीवो V27 में कहां पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है और अभी कहां इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। यहां पे इस अपडेट में बोला गया है कि आपके फोन में जो स्मूथनेस है ना, उसको इम्प्रूव किया गया है। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों कि जब से मैंने वीवो V27 परचेज किया है, मुझे किसी तरह का कोई लैगिंग इशू मेरे वीवो V27 में देखने को नहीं मिला है। और सबसे अच्छी बात है कि अब आप यहां पे यूट्यूब ओपन करेंगे ना, तो वहां पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिलता है और ऐप ओपनिंग भी बहुत प्रॉपर तरीके से आपके वीवो V27 में काम करते हैं। तो मुझे किसी तरह से कोई लैगिंग इशू मेरे वीवो V27 में देखने को नहीं मिला है। इस अपडेट में दोस्तों कैमरे को इम्प्रूव किया गया है। मैं कहूंगा दोस्तों हाँ, कहीं कहीं इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। मैं पिक्चर क्वालिटी की तो बात नहीं कर रहा हूं, पिक्चर क्वालिटी पहले जैसा ही है, लेकिन जो शटर स्पीड है कैमरे का ना, उसको यहाँ पे इम्प्रूव कर दिया गया है। पहले की तुलना में शटर स्पीड काफी अच्छा खासा फास्ट हो गया है और साथ में दोस्तों जो मोड चेंज करते हैं ना, उसके बीच में जो टाइम लगता है उसको भी शॉर्ट किया गया है। यहाँ पे मुझे कैमरे में इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। और दोस्तों इस अपडेट में इन्होंने 5G नेटवर्क की कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया है, जो कि रियल लाइफ में मुझे फील हुआ है। मैं बता दूं दोस्तों, इस रूम में मैं पहले यहाँ पे जियो यूज करता था तो 5G नेटवर्क काम नहीं करता था, लेकिन इस अपडेट के बाद यहाँ पे 5G नेटवर्क बहुत ही प्रॉपर तरीके से काम करने लगा है। कॉल की कनेक्टिविटी भी इम्प्रूव हो चुकी है। और आपको पता होगा दोस्तों कि वीवो V27 में एक मेजर 5G बैंड अवेलेबल नहीं है, शायद N77 अवेलेबल नहीं है। तो हो सकता है थोड़ा बहुत इशू इस अपडेट के वजह से हो, लेकिन इस अपडेट के बाद 5G नेटवर्क मेरे वीवो V27 में बहुत ही प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपके कनेक्टिविटी में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट देखने को मिली है इस अपडेट के बाद। हाँ दोस्तों, इस अपडेट में थर्ड पार्टी जो ऐप है उनको भी एक तरह से ऑप्टिमाइज किया गया है। हालांकि थर्ड पार्टी ऐप को लेकर मेरे वीवो V27 में किसी तरह का कोई इशू तो देखने को नहीं मिला है। बात करें दोस्तों, इन्होंने कहा है कि इस अपडेट के बाद फ्लिकरिंग इशू जो वीवो V27 में देखने को मिल रही थी ना, उसको इम्प्रूव कर दिया गया है। मैं कहूंगा दोस्तों यहाँ पे अभी भी आपके वीवो V27 में फ्लिकरिंग इशू और बहुत ही ज्यादा फ्लिकरिंग इशू देखने को मिलती है। ऑलरेडी मेरे पास IQ Neo 7 है, उसमें किसी तरह का फ्लिकरिंग इशू देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इस अपडेट में इन्होंने कहा तो है, लेकिन वो जो प्रॉब्लम थी फ्लिकरिंग इशू की ना, वो अभी फिलहाल फिक्स दोस्तों। मेजर पॉइंट की कि इस अपडेट के बाद वीवो V27 में स्क्रीन ऑन टाइम मुझे कितना मिला है, तो मैंने इसको एक नॉर्मल यूजर की तरह यूज किया हूँ, बहुत ज्यादा गेमिंग नहीं खेला हूँ, सोशल मीडिया से लेके यूट्यूब सब कुछ यूज किया हूँ, तो मुझे लगभग जो स्क्रीन ऑन टाइम मिला है वो 6.5 घंटे के आसपास स्क्रीन ऑन टाइम मिला है, जो कि पहले जैसा ही है, किसी तरह से कोई डाउनग्रेड देखने को नहीं मिला है। मगर यहाँ पे मैं कहूंगा दोस्तों कि वीवो V27 में जो स्क्रीन ऑन टाइम है बहुत अच्छा है, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा गेमिंग करते हैं तो हो सकता है कि आपको 4.5 या 5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिले, लेकिन नॉर्मल यूज में ना लगभग 6.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आपके वीवो V27 में देखने को मिल जाएगा। और बात करें दोस्तों कि इस अपडेट के बाद जो चार्जिंग टाइम है वो कितना मिल रहा है, तो पहले जैसा ही है, यहाँ पे किसी तरह का इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। लगभग 1 घंटे का टाइम लग जाता है इसको 0 से 100% चार्ज होने में। तो ये सारी बातें हैं इस अपडेट के बाद। यहाँ पे बात करें दोस्तों कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो फिलहाल जो आपके वीवो V27 में फ्लिकरिंग की इशू आ रही है उसको वीवो को फिक्स करना चाहिए। बाकी अभी तक मुझे इसमें बहुत ज़्यादा कोई मेजर इशू देखने को नहीं मिला है। हाँ दोस्तों, मैं बता दूं कि जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट आया ना, इसके बाद आपके फ़ोन में एक फीचर को ऐड किया गया है। अगर आप अपने फ़ोन के थीम स्टोर को ओपन करेंगे ना, तो वहाँ पर एक अलग से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सेक्शन दिया गया है, जिसमें बहुत सारे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए एनिमेशन मिल जाएंगे, जिसको आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की तरह यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि इसमें जो भी आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का एनिमेशन देखने को मिलेगा ना, वो सब पैड है। हाँ, सर्च करेंगे तो 5-6 एनिमेशन मिल जाएंगे जो कि फ्री में होंगे, उसको आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये सारी बातें हैं इस अपडेट के आपके वीवो V27 में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए। धन्यवाद।